बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज आपका सेकंड चैप्टर का फर्स्ट हाफ का टेस्ट बहुत अच्छा आपने किया होगा। तो इस वक्त मैं उसकी की हल कराने लगा हूँ। तो पहले मैं की हल करा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जो आपका टेस्ट हुआ है बायो का फर्स्ट हाफ का। पहली ऑब्जेक्टिव है परसेंटेज ऑफ वाटर इन यूक्रेटिक सेल। अब यूक्रेटिक सेल के हवाले से भी पूछ सकते हैं और मैमेलियन सेल के हवाले से पूछ सकते हैं। परसेंटेज ऑफ वाटर होती है यूक्रेटिक सेल के अंदर 70% परसेंटेज ऑफ वाटर। तो इसका जवाब है डी ऑप्शन जवाब होगा इसका। दूसरी एमसीक्यूज था नेम ऑफ द टिश्यू दैट कंटेन 20% वाटर। आपकी बुक में दो टिश्यूज़ के बारे में बताया हुआ है, ब्रेन और जो है ना बोन्स के। तो बोन्स के अंदर जो है ना 20% वाटर होता है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। तो इसका दूसरे का ए जवाब है। परसेंटेज ऑफ आरएनए इन बैक्टीरियल सेल, अब ये टेबल से लिया गया है बैक्टीरिया के सेल के अंदर आरएनए की परसेंटेज कितना होती है। तो ये जो होती है 6% होती है, डी ऑप्शन इसका जवाब होगा। कैलोरीज पर ग्राम, चौथा एमसीक्यू पढ़ रहा हूँ मैं, कैलोरीज पर ग्राम वेपोराइज्ड, यानी एक ग्राम वाटर को वेपोराइज करने में जो कैलोरी हरारत की यूज़ होती है वो कितना, वो क्या कहलाती है, उसको कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये डेफिनेशन है कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कैलोरीज रिक्वायर्ड टू वेपोराइज पर ग्राम वाटर। तो इसका जवाब होगा चौथे का डी ऑप्शन, चौथे का डी ऑप्शन जवाब है। पांचवी एमसीक्यूज है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड। आपको पता है डाइसेक्राइड, दो मोनोसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड कहते हैं। इसमें वो पूछ रहा है कि इनमें यानी स्टार्च, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज, लैक्टोज, इनमें जो डाइसेक्राइड कौन है। तो आपको पता है स्टार्च, ग्लाइकोजन ये जो है ना ये पॉलीसेक्राइड हैं, और फ्रक्टोज जो है ये मोनोसेक्राइड है, जबकि लैक्टोज जो है होता है ये डाइसेक्राइड। तो इसका सही ऑप्शन पांचवें का डी है। छठी एमसीक्यूज है इन अमीनो एसिड्स इन विच आर ग्रुप इज कॉल्ड। अमीनो एसिड में आर ग्रुप अगर एच हो तो क्या होता है, कौन सा अमीनो एसिड होता है, या कौन से अमीनो एसिड में आर यानी अल्काइल ग्रुप जो होता है वो एच होता है, या अल्काइल ग्रुप पर एच लगा होता है। तो आपकी बुक में जो फार्मूला दिया गया है उसमें बताया हुआ है ग्लाइसिन जो है अमीनो एसिड उस पर एच होता है आर की जगह पर। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। सातवीं एमसीक्यूज है मोनोसेक्राइड्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ, मोनोसेक्राइड्स आर द मेजर कंपोनेंट, यानी ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें मोनोसेक्राइड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अब देखें ए ऑप्शन में डीएनए है, एटीपी है, रेबुलोज बाईफॉस्फेट है। अब डीएनए में भी जो है ना शुगर जो इस्तेमाल होता है मोनोसेक्राइड होता है, एटीपी में भी, रेबुलोज बाईफॉस्फेट में भी, लेकिन ये सिस्टीन जो है ये अमीनो एसिड है, इसके अंदर रेबोज नहीं होता, ठीक है, ये अमीनो एसिड है। तो इस वजह से ए ऑप्शन नहीं आएगा। बी ऑप्शन को देखें, अगर आप डीएनए है, एटीपी है, नैडपी है और रेबुलोज बाईफॉस्फेट है, तो इसमें जो सही जवाब है वो यही बनता है कि इंसानों के अंदर राइबोज शुगर यानी मोनोसेक्राइड मौजूद होता है। तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन है। आठवीं एमसीक्यूज है कि अमीनो एसिड्स आर मेनली डिफरेंट फ्राम ईच अदर ड्यू टू द टाइप ऑफ एंड नेचर। अमीनो एसिड जो होते हैं वो कहते हैं कि आपस में एक दूसरे से
बुनियादी तौर पर उनका जो फ़र्क होता है स्ट्रक्चर का, वो फ़र्क होता है आर ग्रुप का अल्काइल ग्रुप का, किसी के साथ CH3 होगा, C2H5 होगा, इसी तरह किसी के साथ हाइड्रोजन होगा, तो इसमें डिफरेंस होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है आठवें का। नौवीं MCQs है इमाइलोज, इन इमाइलोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर लिंक्ड ईच अदर बाय, अब इमाइलोज पढ़ा हुआ है पॉलीसेक्राइड में स्टार्च के अंदर जो है ना, उसकी दो टाइप्स होती हैं इमाइलोज और इमाइलोपेक्टिन, तो उनमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं किसके ज़रिए, पेप्टाइड बांड के ज़रिए, इस्टर बांड के ज़रिए, डाइसल्फाइड बांड के ज़रिए, ग्लाइकोसाइड बांड के ज़रिए। तो ज़ाहरी बात है कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनके जो यूनिट्स होते हैं वो आपस में ओलिगोसैकेराइड के ज़रिए जुड़े होते हैं, तो इसका सही जवाब डी है। हाँ जी, अब हम दसवें पे आते हैं। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड इन मेंटेनिंग टर्शी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अब टर्शी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को मेंटेन करने में जो बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में बताना है कि कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता। बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इन्वॉल्व नहीं होते, तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन है। मायोसिन इज डैश टाइप ऑफ प्रोटीन, मायोसिन, मायोसिन आपको पता है मसल प्रोटीन है और मसल फाइब्रस स्ट्रक्चर रखते हैं, तो इसका सही जवाब जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, फाइब्रस प्रोटीन। तो डबल क्वाइल्ड ग्लोबुलर ये सारी स्ट्रक्चर नहीं आएंगे। चलें जी, बारवां MCQs है जी, द स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन कंप्राइजेज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ, मतलब उसका ये है कि फाइब्रस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन किस शक्ल में पाए जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स किस शक्ल में पाए जाते हैं, लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ फिब्रिल, स्फेरिकल क्वाइल्ड, फ्लैट क्वाइल्ड, क्लस्टर। तो नाम से जाहिर है कि फाइब्रस प्रोटीन है, तो फाइब्रस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन लॉन्ग फाइब्रिल्स होते हैं, तो ए ऑप्शन इसका जवाब है, बारहवें का ए ऑप्शन जवाब है। तेरहवां, ग्लोबुलर प्रोटीन डिफर फ्रॉम फाइब्रस प्रोटीन, अब ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में फ़र्क, एक फ़र्क ये है जी, बीइंग सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं और जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये डिफरेंस है, बी ऑप्शन जवाब है तेरहवें का। ऑफ द फॉलोइंग टर्म द वन इंक्लूड ऑल अदर, एक टर्म है जिसमें सारे ऑप्शन आ जाते हैं, रिडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेशन, रेस्पिरेशन, तो इसका सही जवाब है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन सम ऑफ ऑल रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन, रेस्पिरेशन जो एक सेल के अंदर हो रहे होते हैं, रिडक्शन, तो बी ऑप्शन इसका जवाब है 14 का। तो 15 है जी, विच एलिमेंट ऑक्यूपाइज सेंट्रल पोजीशन इन स्केल्टन ऑफ लाइफ, तो स्केल्टन ऑफ लाइफ की बुनियाद जो है वो कार्बन है, तो कार्बन इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। 16, वन यील्डिंग रेड कलर विद आयोडीन, इनमें एक पॉलीसेक्राइड दिया हुआ है आयोडीन के हवाले से, पॉलीसेक्राइड के बारे में आपकी बुक में बताया हुआ है, तो रेड कलर जो है ना वो ग्लाइकोजन देते हैं, सी ऑप्शन जवाब है इसका। 17, इमाइलोपेक्टिन इज सॉल्युबल, इमाइलोपेक्टिन इज सॉल्युबल इन, तो ये किस में सॉल्युबल होते हैं, ये भी आपको पता है कि ये इन सॉल्युबल होते हैं, इमाइलोज सॉल्युबल होते हैं हॉट और कोल्ड वाटर में, ये हॉट और कोल्ड वाटर दोनों में इनसॉल्युबल होते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं कोई भी नहीं है, तो इसका सही जवाब डी है, नन। तो स्टूडेंट्स आप अपनी MCQs की को देख लें। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन पर, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री गिव इम्पॉर्टेंस, बायोकेमिस्ट्री एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, तो दो पॉइंट्स हैं इसमें, एक तो आपने बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन करना है और दूसरा उसकी इम्पॉर्टेंस बतानी है, और ये आपकी बुक में बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। बायोकेमिस्ट्री की तारीफ यही है कि इट इज़ दी
ब्रांच ऑफ साइंस या बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये डेफिनेशन हो गई। और उसकी इम्पॉर्टेंस उसकी दो बताई हुई हैं कि इट इज़ इजेंशियल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये दो बातें आप लिखेंगे, अनाटमी और फिजियोलॉजी जो है वो इसकी इम्पॉर्टेंस में आएगा, अनाटमी और फिजियोलॉजी। इससे हम अनाटमी को समझ सकते हैं ऑर्गेनिज्म की और फिजियोलॉजी को समझ सकते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्टिव रोल ऑफ वाटर। ये रोल ऑफ वाटर में लास्ट हेडिंग है प्रोटेक्टिव रोल। तो वाटर के दो प्रोटेक्टिव रोल हैं, एक तो ये है कि ये पानी जो है ना फ्रिक्शन से बचाता है, पानी फ्रिक्शन से बचाता है। तो वो ऑर्गन जहाँ पर फ्रिक्शन के चांसेस हैं अल्लाह ताला ने वहाँ पर वाटर की एक लेयर रखी है। जैसे आपकी बुक में मिसाल दी गई है कि आई लिड्स जो होते हैं आपकी जो पपोटे हैं ये और आँख के दरमियान, बार बार चूँकि हमारे ये आँखों की पलकें हरकत करती हैं तो फ्रिक्शन रबिंग जो है ना उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ज़ख़म हो सकते हैं। तो यहाँ पर पानी की एक तय होती है। तो पहला पॉइंट इसका यही लिखेंगे आप, वाटर यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इट इज़ प्रेजेंट इन दी आइज एंड आईलिड्स, इन बिटवीन दी आईलिड्स एंड आई, तो आँख और आईलिड्स के दरमियान ये मौजूद होता है। दूसरा इसका रोल ये है कि वाटर इज़ यूज्ड एज ए कुशन, यानी दो पॉइंट आपने लिखने हैं, लुब्रिकेंट के तौर पर ये इस्तेमाल होता है और एज ए कुशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। कुशन कहाँ पर, जैसे हमारे हार्ट पंप करता है तो हार्ट की लेयर जिसको आप पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम और हार्ट वॉल के दरमियान जो है ना एक कुशन के तौर पर वाटर मौजूद होता है। इसी तरह लंग्स की लेयर, प्लूरा और लंग्स वॉल के दरमियान वाटर लेयर मौजूद होती है, एज ए कुशन काम करते हैं। ब्रेन में भी ये मीनेंजेस के दरमियान एज ए कुशन के तौर पर पानी मौजूद है, जिसका मकसद क्या होता है, फ्रिक से बचाना, ट्रामा से, सडन ट्रामा से बचाना। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ सक्रोज। पूरी क्वेश्चन लिख दें तो आपकी मर्ज़ी है, अगर सिर्फ ये सक्रोज का फार्मूला लिख दें तो भी आपकी मर्ज़ी है। ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ग्लूकोज, और ये फ्रक्टोज का फार्मूला है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर का फ़र्क है। ग्लूकोज में 6 कार्नर रिंग होता है, फ्रक्टोज में 5 कार्नर रिंग होता है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ये कार्बन नंबर 1 है फ्रक्टोज की, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है और इससे पानी रिलीज होता है। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो स्ट्रक्चर बनती है सुक्रोज की। तो ये फार्मूला आपने ड्रा करना है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ ग्लाइसिन एलानिन इज़ फार्म्ड। तो इसमें आपने पूरी इक्वेशन लिखी है, ग्लाइसिन का फार्मूला, ये मैंने ग्लाइसिन का फार्मूला लिखा हुआ है, ये एलानिन का फार्मूला लिखा हुआ है। ग्लाइसिन यहाँ पर जो है ना ये समझ लें OH है और यहाँ पर समझ लें हाइड्रोजन है। तो ये मिलेंगे, इसका H और इसका OH जब मिलेंगे तो पानी बन जाएगा, तो कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगी, तो इस तरह पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा ये ग्लाइसिन और एलानिन के दरमियान, तो कंपाउंड बन जाएगा ग्लाइसल एलानिन। दोबारा ये फार्मूला पूरी इक्वेशन में आप लिखेंगे। पाँचवा शॉर्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन की तो पहले आप तारीफ करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इवापोरेट 1 ग्राम ऑफ वाटर इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और फिर उसके अपने एडवांटेजेस लिखने हैं। एडवांटेजेस की यही हैं कि इट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट।
यानी इसमें दो पॉइंट लिखने हैं आपने, डेफिनेशन लिखनी है और इसकी इम्पॉर्टेंस लिखनी है कि ये कूलिंग इफेक्ट पैदा करते हैं, ख़ास तौर पर कूलिंग इफेक्ट प्लांट्स में इवापोरेशन, प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन, सॉरी प्लांट्स में लफ्ज़ इस्तेमाल करना है ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन के दौरान, और एनिमल में इवापोरेशन बाय स्वेट ग्लैंड्स, तो उससे ठंडक पैदा होती है। ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये बड़ा टिपिकल किस्म का क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पहले तो आपको क्लियर हो रिड्यूसिंग किसको कहते हैं, वो सब्सटेंस जो दूसरे की रिडक्शन कर दे, नॉन रिड्यूसिंग दूसरे की रिडक्शन ना करें। अब शुगर के हवाले से पूछा है आपसे, ऐसी शुगर जिसमें जो है ना रिडक्शन की एबिलिटी हो उसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, और ऐसी शुगर जिसमें रिडक्शन की एबिलिटी ना हो, मतलब जैसे सक्रोज, इसमें मिसाल देंगे नॉन रिड्यूसिंग में, सक्रोज जो है ना नॉन रिड्यूसिंग है, सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, जबकि ग्लूकोज फ्रक्टोज ये रिड्यूसिंग है। क्यों ये नॉन रिड्यूसिंग है और ये ग्लूकोज वगैरह ये रिड्यूसिंग होंगे, उसकी वजह है कि इसमें ना रिड्यूसिंग शुगर में एक्रोनाइल कार्बन पर, एक्रोनाइल कार्बन कहते हैं कि जैसे आप फार्मूला ड्रा करते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने ये फार्मूला ड्रा किया है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड वो फ्री एल्डिहाइड वाला कार्बन जो होता है एक्रोनाइल कार्बन होता है। अगर इनके फ्री एल्डिहाइड पर OH ग्रुप मौजूद हो तो वो रिड्यूसिंग कहलाते हैं, ऐसे शुगर जिनके इस कार्बन पर OH मौजूद हो तो इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग, और ऐसे शुगर जिनमें OH मौजूद ना हो तो उनको ना रिड्यूसिंग कहते हैं। तो बहरहाल इसको दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर द शुगर विच रिड्यूस अदर सब्सटेंसेस हैविंग एक्रोनाइल कार्बन, हैविंग एक्रोनाइल कार्बन, तो यानी फ्री एल्डिहाइड, एक्रोनाइल कार्बन का मतलब चलो आसान कर लें, फ्री एल्डिहाइड रखते हो, जो फ्री एल्डिहाइड रखते हैं या फ्री कीटोनिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप रखते हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं, जो फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप नहीं रखते वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। तो इसकी मिसाल में ग्लूकोज फ्रक्टोज देंगे, इसकी मिसाल में सक्रोज देंगे, क्लियर। अच्छा जी, सातवां शार्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। तो इसमें दो पॉइंट्स हैं, आपने डेफिनेशन करनी है और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। डेफिनेशन इसकी है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फॉर 1 डिग्री फॉर फ्रॉम 15 to 16 degree इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पानी जो है ना हीट मैक्सिमम अब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह वाटर अब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट, वजह उसकी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल। वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हीट पानी अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो दूसरे लफ्ज़ों में इसकी अंदर जो हीट अब्जॉर्ब होती है वो डायरेक्ट टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं इस्तेमाल हो रही, वो इस्तेमाल हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, तो इस वजह से ये मैक्सिमम हीट अब्जॉर्ब करता है, और जिस सिस्टम ये मौजूद होता है उसके अंदर कम से कम तब्दीली लाता है। तो इसकी डेफिनेशन, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इट अब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट ब्रिंग्स मिनिमम चेंज इन इट सो इट स्टेबलाइज द टेम्परेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह ये जानदार के बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है। तो ये दो पॉइंट आपने लिखे हैं। व्हाट आर ग्लोबुलर प्रोटीन गिव इट्स इंपॉर्टेंस। अब ग्लोबुलर प्रोटीन, जो प्रोटीन दो किस्म की प्रोटीन हमने पढ़ी हुई हैं, तो आपने यहाँ पर सिर्फ ग्लोबुलर प्रोटीन की कुछ करेक्टर्स लिखने हैं और उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। करेक्टर्स में आप ये लिखेंगे कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं ये इलेप्साइडल
ये ओवल शेप होते हैं, ये क्वाइल्ड शेप होते हैं। और दूसरी इसकी खासियत ये होती है कि इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, ये सॉल्यूशंस में सॉल्युबल होते हैं। और इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये आमतौर पर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, और स्ट्रक्चरल रोल में आप एक्टिन, मायोसिन, इंजाइम, इनकी मिसालें दें, सॉरी एक्टिन मायोसिन तो फाइब्रस प्रोटीन है, इसमें इंजाइम, हार्मोन्स, एंटी बॉडीज, इनकी मिसाल देंगे। नवा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एफ सेंगर कंक्लूड अबाउट इंसुलिन? इसमें आपने एफ सेंगर के बारे में बताना है, उसने क्या किया था। रोल ऑफ एफ सेंगर भी पूछ सकते हैं, वर्क ऑफ एफ सेंगर भी पूछ सकते हैं। तो एफ सेंगर एक साइंटिस्ट था जिसने इंसुलिन को स्टडी किया था, 10 साल उस पर उसने रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद उसने बताया कि इंसुलिन एक प्रोटीन है जिसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं, एक अल्फा दो चेन पर मुश्तमिल होते हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। अल्फा चेन में अमीनो एसिड की तादाद होती है 21 और बीटा चेन में 30, तो इस तरह 51 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल ये प्रोटीन होती है। लास्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड? तो जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड आपने लिखना है, तो कोई भी अमीनो एसिड का फार्मूला आप ड्रा कर सकते हैं। अमीनो एसिड के फार्मूले में सेंट्रल कार्बन आप लिखेंगे, सेंट्रल कार्बन जिसके एक साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपने लिखना है और दूसरी साइड पर अमीनो ग्रुप लिखना है, बाकी वैलेंसी आपने हाइड्रोजन से पूरी करनी है, हाइड्रोजन से या अल्काली ग्रुप से। तो इस तरह ये आपका पूरा सवाल इस अंदाज से आपने हल करना था, उम्मीद है आपने ऐसे ही हल किया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, पॉलीसेक्राइड पर कंप्लीट नोट लिखना है, पॉलीसेक्राइड के करेक्टर्स और उसकी क्लासेस। इसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 2 में लॉन्ग क्वेश्चन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर इनको डिटेल से बयान करना है।